नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभिप्सा के इस चैनल पर। मेरा नाम है अभिनव सरचो पांडे और हमारी चर्चा का विषय था धारा विद्युत। हम कर रहे थे पूर्व प्रश्न पत्रों की चर्चा और इस चर्चा के दौरान बहुत सारी चीजें हमारे सामने में आई। लेकिन इन सारी बातों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभिप्सा का मिशन 2023 सीजी बोर्ड एग्जाम सीरीज जो चल रहा है वो न सिर्फ भौतिकी बल्कि गणित, जीव विज्ञान और उसके बाद में रसायन, इंग्लिश और दसवीं के सभी विषयों पर उपलब्ध है। इन बात की चर्चा इसलिए है कि हमारा एक एप्लीकेशन है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाता है, जहां पर आपको यूट्यूब में मिलने वाली वीडियो के अलावा विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जैसे पीडीएफ नोट्स, जैसे कि माइंड मैप, ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलेंगी। तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारा साथ तो बना ही रहेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे जो है आप क्या कर, देखिए आपको अगर मेरा पढ़ाया वो पसंद आ रहा है या फिर आपको जो है ऐसा लग रहा है कि हाँ सर के प्रेजेंस में जो है हमारी तैयारियां अच्छी होती जा रही हैं, तो आप गुरु दक्षिणा के रूप में हमें सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारा लाइक करने के बाद में आप हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम शिक्षकों के बीच में, हम जो जितने भी टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम लोगों के बीच में कुछ इस प्रकार की शर्त लगी हुई है कि परीक्षा खत्म हो जाने के बाद में जिस टीचर के पास में सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे वो बाकी लोगों को पार्टी देने वाले हैं। मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि मैं सारे लोगों को पार्टी दूं और उसके लिए आपको मेरा सहयोग कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। देखिए यहां पर पीवाईक्यू सीरीज चल रहा था, हम लोगों ने पूर्व प्रश्न पत्रों के सारे प्रश्न देखने का जो है फैसला किया है और इसी सिलसिले में हम अनुगमन वेग पढ़ चुके हैं, हम जो है पढ़ चुके हैं ओम के नियम का सत्यापन मुक्त इलेक्ट्रॉन थ्योरी से, हम जो है देखिए विशेष प्रतिरोध और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब ये वाली बात कर चुके हैं। आप हमारे पिछले वीडियोस देखिए, आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। इसके बाद में हम लोगों ने विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट किया था। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न इससे पहले जो है 2010 में पूछा गया था, 11 साल बाद इस प्रश्न के बारे में दोबारा बात की गई है। लेकिन अब जो है हम आगे आज की बात जो करेंगे वो ये है, पहले बताइए कि ये प्रश्न पूछा कब गया था, 2019 में। अब 2019 में पूछे गए इस प्रश्न में खासियत क्या है, भैया क्या बातें करनी है हमको। तीन अंक का यह प्रश्न होगा और तीनों के लिए एक एक अंक हमको मिल रहे होंगे। विद्युत वाहक बल EMF, आप सबसे पहले बताइए कि विद्युत वाहक बल किसी बैटरी का होता है, उसके जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिनके बीच में यदि धारा प्रवाहित ना हो रही हो तब हम जो है उसके विभवांतर को जब नापेंगे तो हमको विद्युत वाहक बल मिलता है। और इसके बाद में जब आप एक और चीज बता सकते हैं तो वो है कि जो पोटेंशियोमीटर नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है हम उसी के द्वारा विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं। फिर अगली बात क्या है, विशिष्ट चालकता। हम लोगों ने देखा था रो का मान विशिष्ट चालकता क्या होती है, तो रो के लिए जो है हमको ये पता है आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A और इन दोनों को मिला के हमको मिलता है आर आनुपातिक एल बटा ए। फिर यहां पर जो एक नियतांक लगाएंगे वो होता है आर बराबर रो और एल बटा ए। ठीक है, ये सूत्र लिख दिया आपने तो आपके एग्जामिनर को पता चल गया कि आपको उत्तर तो मालूम है। अब ये इंश्योर करना कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ये आप कैसे बताएंगे, आप बोलेंगे कि भाई रो बराबर आर गुणा ए बटा एल, आपने केवल पक्षांतर किया है और अब आप जो है इसकी इकाई बता सकते हैं कि आर जो होता है ओम में, यहां पर क्षेत्रफल होता है मीटर का वर्ग और नीचे लंबाई होती है मीटर, मतलब ये कट जाएगा और इसकी जो है इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है ओम मीटर। अगर आप इसके बाद में इसकी परिभाषा लिखना चाहेंगे तो आप क्या बोलेंगे, प्रति एकांक लंबाई और इकाई क्षेत्रफल के किसी चालक के प्रतिरोध को हम क्या बोलते हैं, हम उसका विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। यह किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है और यह उसके आकार पर, उसके आकार उसके शेप के ऊपर निर्भर नहीं करता, किंतु किस बात पर निर्भर करता है, उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। चलिए आगे बात करते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है आर, तो हम यहां पर बोल सकते हैं ओम के नियम द्वारा हमको पता है कि विभवांतर जो है विद्युत धारा के समांतर होता है, मतलब समानुपाती होता है और यहां से हम बोल सकते हैं कि ये आर आई और इसके बाद में वी बटा आई बराबर आर, इसका जो है इसकी इकाई क्या होती है ओम होती है।
अब आप अगर चाहें तो परिभाषा बताएंगे, क्या ओम के नियम के अनुसार विद्युत विभव वो चालक में भरने बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि तापमान नियंत्रित रखा जाए तो विद्युत विभव और विद्युत चालक के बीच का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है और इस नियतांक का नाम प्रतिरोध है। इसका जो है जो इसकी जो इकाई है वो है क्या, ओम है। दसवीं क्लास वाला यानी कि छोटी कक्षाओं वाला जो आपका आपकी जो परिभाषा थी कि चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में दिए गए प्रतिरोध को, मतलब दिए गई परेशानियों को हम विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, तो वो भी जो है बिल्कुल सही डेफिनेशन है। लेकिन जब आप सूत्र लिखते हैं तो आपके एग्जामिनर को इस बात का यकीन होता है कि आप पढ़े लिखे बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध अभी अभी हम लोगों ने बताया, अभी अभी हम लोगों ने बताया कि V by I बराबर R है। इसमें जो है मतलब एडिशनल जानकारियां, ये ओम है इसका जो है इकाई और ये एक अनुपातिक नियतांक है, बताने से हमको फायदा होता है। विशिष्ट चालकता अभी अभी हम लोगों ने बताया कि विशिष्ट चालकता जो है R गुणा A बटा L होता है और इसका जो है जो इकाई होता है वो होता है ओम मीटर, और ये किस किस बात पर निर्भर नहीं करता, आकार पर, चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता, किस बात पर करता है वो है तापमान पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। इसके बाद में विभव प्रवणता के बारे में हम बात करेंगे। इसको हम लोगों ने फाई ऐसे लिया था और विभव प्रवणता फाई बराबर होता है ई बराबर ऋण डी वी बटा डी एल। और यहां पर क्या होता है कि किसी भी स्थान पर जब विभव के मान में अंतर होता है तो वो जो है प्रति एकांक लंबाई विभव के मान में अंतर को हम विभव प्रवणता कहते हैं। यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, लेकिन ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि हम मतलब विभव के मान में परिवर्तन की विपरीत दिशा में जाएंगे तो हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नजर आएगी, ठीक है। तो विभव प्रवणता के बाद में बारे में हम लोगों ने बता दिया। आप बताइए कि इस तरीके से इसका जो है जो इकाई हो सकती है वो क्या हो सकती है। विभव प्रवणता के सूत्र के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई होगी वोल्ट वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों को जानकारी 2019 में पूछा था, अच्छा प्रश्न है। अब अगला प्रश्न पूछो, फिर से 2019 अलग अलग सेट में अलग अलग बातें पूछ रहा है। अनुगमन वेग, तो यह हम क्या बोलेंगे कि यदि किसी चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर V लगा दिया जाए तो उसके आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित दिशा में जिस वेग से आगे बढ़ते हैं उसको जो है अनुगमन वेग कहते हैं, और ये जो है ऋण ई ई बटा एम ई गुणा टाउ के बराबर होता है। फिर आप बता दो कि ये अनुगमन वेग है, ये जो है इलेक्ट्रॉनों का आवेश है, ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये जो है द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, और ये है श्रांति काल। अब फिर से बात पूछा जाएगा कि श्रांति काल क्या होता है, तो किसी चालक के दोनों सिरों पर यदि हम विभवांतर लगाते हैं तो जो आवेश किसी निश्चित गति से आगे बढ़ रहे होते हैं, इस आगे बढ़ने के दौरान उनमें जो त्वरण होता है और टक्कर होती है, तो दो टक्करों के बीच की जो है जो समय, जब समय अंतराल होता है उसे हम श्रांति काल कहते हैं, और सभी आवेशों के लिए जो है जो श्रांति कालों का औसत होता है उसको हम विश्रांति काल कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लिखेंगे कि दो लगातार टक्करों के बीच का जो समय है उसे हम श्रांति काल कहते हैं, और इस समय अंतराल में आवेश क्या होते हैं, त्वरित गति करते हैं। इसके बाद में जो है हम विभव अंतर की बात करेंगे, तो हम बोल सकते हैं बी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, प्रति एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य को हम विभव कहते हैं, और उसके बाद में किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में विभव का जो अंतर है उसे हम विभवांतर कहेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं कि यदि किसी आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से बी बिंदु ए तक लिया जाए लेके जाया जाए तो उसके द्वारा किया गया कार्य यदि ए बी हो तो प्रति एकांक आवेश किए गए कार्य को हम जो है इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहेंगे, और ये हो जाएगा वी ए बी बराबर वी ए ऋण वी बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिटेल में बातें कर ली। विभवांतर का जो है जो इकाई होगी वो क्या हो सकती है, तो ये विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट, और इसे हम जूल प्रति कूलम से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एक अंक के लिए हम लोगों ने बहुत सारी जानकारी दे दी। आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा बताइए
और यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है इसके बारे में भी बताइए। हम सेल के बारे में चर्चा कर चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक जरूर मिलेगा, लेकिन फिर एक बार देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को लेकर के हम जो है विद्युत ऊर्जा का जो निर्माण करते हैं उसके लिए हम जिस युक्ति का उपयोग करते हैं वो होता है सेल। यहाँ पर जो है हम लोगों ने जिंक की राड ले ली, यहाँ पर हम लोगों ने कॉपर की राड ले ली, और यहाँ पर रासायनिक सूत्र जो है जिंक से Zn2+ से कॉपर में जो है कॉपर 2+ से, और यहाँ पर जो है कॉपर, ये जो रासायनिक अभिक्रिया को मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखा है। हाँ, अब जो है यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ये जो जिंक है वो क्या करता है कि वो दो इलेक्ट्रॉन दे देता है, और दो इलेक्ट्रॉन देने के बाद में खुद धनावेशित होकर के यहाँ पर ZnSO4 के विलयन में घुस जाता है, और उसके बाद में ZnSO4 के विलयन में घुसने के बाद में यहाँ से जो आयन ब्रिज होता है इसकी सहायता से जो है यहाँ पर CuSO4 को जो है क्या करता है, CuSO4 को रिप्लेस कर देता है, मतलब यहाँ पर से Cu हटा के खुद घुस जाता है, तो यहाँ पर ZnSO4 बनता है, और यहाँ के Zn को रिप्लेस करने के लिए यहाँ से जो कॉपर नीचे आता है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके जो है कॉपर प्लस से जो है कॉपर आयन बन जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब हमको बताना क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है भाई यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, ये एक विलयन है जो कि इन जो रॉड लगे हुए हैं इन्हीं के जो है सॉल्ट का विलयन है। अब यहां पर जो है क्या होता है, आयनों की गति होती है, और इन आयनों की गति के कारण जो है इनके बीच में जो है प्रत्यास्थ या अप्रत्यास्थ टक्कर होते हैं, और इन अप्रत्यास्थ या प्रत्यास्थ टक्करों के कारण जो है इनमें ऊर्जा का ह्रास होता है। तो इन टक्करों के कारण जो है जो प्रतिरोध किसी सेल के अंदर मिलता है उसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब ये किन किन बातों पर निर्भर करता है भैया, तो ये जो है बातों पर निर्भर करता है, पहला है कि ये जो इलेक्ट्रोड लगे हैं उनका क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल। अब इससे कैसे निर्भर करता है, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे वैसे वैसे रासायनिक अभिक्रियाएं तेज होती जाएंगी, और इस कारण जो है आंतरिक प्रतिरोध कम होगा और हमें जो है अच्छे से विद्युत धारा प्राप्त होगी। दूसरी बात क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। अब जैसे जैसे जो है हम इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को कम करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ जो इनको जो है पार करने के लिए जो दूरी है वो कम होने के कारण क्या होगा, टक्करों की संख्या कम होती जाएगी, और ऐसे समय में जो है इनका जो है आंतरिक प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। अब तीसरी बात है इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व। अब इसके बारे में सोचो तो विलयन जो है क्या हो रहा है कि जहां पर जितने ज्यादा घनत्व वाला विलयन होगा उतने सारे आवेश आपको एक साथ इसी एक दिशा पर चलते हुए नजर आएंगे, और भाई ऐसी स्थिति में क्या होगा, इनके बीच में टक्करों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो यदि हम इसके विलायक मतलब विलयन को जो है घनत्व को कम करके रखेंगे तब क्या होगा कि आंतरिक प्रतिरोध भी कम हो जाएगा। और चौथी बात है तापमान, तो जब भी हम तापमान बढ़ाते हैं तो एक तापमान में जो है वृद्धि होने के कारण इन आयनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और जब आयनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो वो ज्यादा तेजी से जो है विद्युत धारा का प्रवाह कर पाएंगे, और इस प्रकार से आंतरिक प्रतिरोध कम होने लगता है। तो हम लोगों ने सारी की सारी निर्भरताएं डिस्कस कर ली, इसमें जो है अगर आपको तीन अंक मिलने वाले होते तो एक जो है आपको परिभाषा देने से मिलते और उसके बाद में बाकी जो है उसके कारकों को बताने के लिए मिलते। तो आपने चार कारक बताए हैं, आपको दो अंक मिल गए, और परिभाषा बताने के बाद में आपको अब आंतरिक प्रतिरोध का जो है एक और बात करना है कि इस आंतरिक प्रतिरोध का जो है मात्रक क्या होता है, क्योंकि ये भी प्रतिरोध है तो ये भी ओम में ही होगा। ठीक है,
इकाई भी बता दी हम लोगों ने। फिर देखो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित करके सूत्र भी उत्पन्न करो, फिर से 2020 में ये प्रश्न पूछा है। फिर आगे देखो सेल के आंतरिक प्रतिरोध विद्युत वाहक बल तथा बाह्य प्रतिरोध के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो अब विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, ठीक है। तो इसके लिए चलिए बात कर लेते हैं। हम लोगों ने एक अरेंजमेंट किया, ये हम लोगों ने एक बाह्य प्रतिरोध आर ले लिया और इस बाह्य प्रतिरोध को जो है, अच्छा हमको एक और विशेष जानकारी देनी थी, मैं आपको बता देता हूं। अच्छा तो ये जो है हम लोगों ने देख लिया, हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो आंतरिक प्रतिरोध है इसे हमेशा सेल के साथ में, इसे हमेशा विद्युत सेल के साथ में हमको कैसे रखना चाहिए, विद्युत सेल के साथ में इसे हमेशा हमें श्रेणी क्रम में रखना चाहिए। अब ये श्रेणी क्रम में जो है हम लोगों ने विद्युत सेल ले लिया जिसका ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल जो है वो ई है और इस पर जो आंतरिक प्रतिरोध है वो आर है और हम लोगों ने बाह्य प्रतिरोध आर लिया हुआ है जिसके दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो वी है। अब जो है हम इसमें प्रवाहित धारा की बात करेंगे, तो प्रवाहित धारा की बात करने पर हमको आई बराबर वी बटा आर मिलेगा। अच्छा यहाँ पर जो है हम जो है क्या करेंगे, देखिए कुल मिला के जो है यहाँ ये आर और ये आर श्रेणी क्रम में है तो हमको जो है फिर जो है यहाँ पर विद्युत धारा का मान कैसे मिलेगा, आई बराबर ई और यहाँ पर आर धन स्मॉल आर, ये हो जाएगा। अब यहां से अगर जो है हम देखते हैं तो ये वी बटा आर और यहां पर हो जाएगा ई बटा आर धन स्मॉल आर और ये जो सूत्र आपको मिला है इसमें से जो है हम आगे की गणना कर सकते हैं। भाई यहाँ पर जो है इस आर को आर धन आर को उधर ले जाते हैं तो हमको मिलेगा आर धन छोटा आर बटा आर और ये बराबर हो जाएगा ई बटा वी के। देखिए यहां से जो है आपको ये संबंध समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है आर धन, ये आर को जो है अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमको मिलेगा आर धन आर बटा बड़ा आर और यहाँ पर यहाँ इस तरीके से तो ये आर और ये आर कट जाएगा और हमको मिला ई बटा वी। यहां से जो है अगर हम छोटे आर की जो है गणना करना चाहें तो हमको जो है किस प्रकार से मिलेगा भाई, तो हमको ये मिलेगा स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर और यहाँ पर वी बटा ई ऋण ए और इस तरीके से जो है हमको आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध, बाह्य मतलब ये विद्युत विभव और ईएमएफ, इन सारे के बीच में जो है एक संबंध मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जो है ये प्रश्न किरचॉफ के नियम वाला प्रश्न जो है ये हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। किसी सेल के विद्युत वाहक बल परिभाषा लिखकर उसका आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। देखिए 2021 में पूछा है, 2020 में पूछा है, इसके बाद में 2021 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको इसके बारे में सीखना चाहिए और इसको सीखने के साथ साथ वो सारे विषय मतलब वो सारे के सारे प्रश्न जो है पूर्व प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं हम उनकी चर्चा जरूर करने वाले हैं। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एप्लीकेशन हमारे प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगला प्रश्न तो आप लोगों ने देख ही लिया है, अगला प्रश्न हम देख ही चुके हैं तो हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।